हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन हमने कल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। तो तेजस में उड़ान भरने वाले जो पहले रक्षा मंत्री हैं वो बन गए हैं राजनाथ सिंह, जो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि सरकार ने एयर वाइस चीफ मार्शल RKS भदौरिया को डैश का प्रमुख नियुक्त किया है। जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, नीति आयोग, चार में से एक क्वेश्चन ऑप्शन सही है, आपको कमेंट करके इसको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 के सम्मानों की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के किस जिले के व्यक्तित्व को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वर्ष 2018 के जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सम्मान है, भारत भारती सम्मान इनको कहा जाता है जनरली, मतलब हिंदी संस्थान के है, इनमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान जो है वो पटना के साहित्यकार हैं डॉक्टर उषा किरण खान, इनको इस भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इसकी जो राशि है वो है 5 लाख। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर और दमोह है, उपरोक्त तो दोनों इसका सही आंसर है। ग्वालियर के जो जगदीश तोमर हैं इनको साहित्य भूषण सम्मान मिला है। बहुत सारे सम्मान एक्चुअली में उसमें दिए जाते हैं पूरे हिंदी संस्थान के, मतलब सबसे अच्छे पुरस्कार कहे जाते हैं, उसमें भारत भारती सबसे अहम सम्मान होता है। इसमें दूसरे नंबर का जो सम्मान होता है जिसकी राशि होती है 4 लाख, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान होता है, और ये लखनऊ के डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को दिया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य भूषण सम्मान दिया जाएगा जगदीश तोमर को ग्वालियर के, और साहित्य भूषण सम्मान ही दिया जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को, ये है दमोह के। तीसरा जो सम्मान है वो है विज्ञान भूषण सम्मान, ये 2 लाख की राशि इसमें भी है, और डॉक्टर प्रेमचंद स्वर्णकार ये दमोह के हैं, इनको अवार्ड दिया जाएगा। तो कुल मिला के 3 लोग हैं जिनको ये सम्मान दिया जाना है, जिनमें से 2 लोग दमोह के हैं, एक ग्वालियर के हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये होगा। लास्ट ईयर हमने करंट अफेयर की जो हमारी मैगजीन थी उसमें भी हमने इस सम्मान के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश से किसको मिला है। अगर आपने पढ़ी है तो कमेंट करके बताएं कि ये सम्मान किसको मिला है। गाइज, हमारी वेबसाइट पे मैं इसको अपडेट करने लगा हूँ, तो इसको आप वेबसाइट को जरूर चेक करते रहें, क्योंकि इसमें MPG के MP क्विज, MP करंट अफेयर्स के क्विज, और इस तरीके से करंट अफेयर भी आपको मैं दे दिया करूंगा। टेलीग्राम का चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम प्रतियोगिता में किस जिले के हितेंद्र सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए, ये जो प्रतियोगिता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आयोजित हुई है, जयपुर में, ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें जो धार जिले के हितेंद्र सिंह हैं इन्होंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये जो है आपकी जयपुर राजस्थान में 13 से 15 सितंबर तक ये चैंपियनशिप जो है हुई है। इससे पहले हितेंद्र और भी कई गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किस जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री कौन है कमेंट करके बताएं, आपको पता होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो हॉकी फीडर सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा आपका धार जिले में, ठीक है, और ये गैर आवासीय हॉकी फीडर सेंटर होगा, ठीक है। कौन बना रहा है? खेल और युवा कल्याण विभाग। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा किस जिले की यूनिवर्सिटी में एनर्जी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया? तो देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री हैं जीतू पटवारी, और इन्होंने इंदौर जिले की जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंदौर जिले की यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इसका जो तक्षशिला परिसर है उसमें इन्होंने एनर्जी अनुसंधान केंद्र का अभी हाल ही में ही लोकार्पण किया है। तो आपके बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए कि एनर्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया अभी हाल में, तो ये इंदौर में क्वेश्चन आपसे जनरली ये पूछा जाएगा। लोकार्पण से जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मैंने ऐसे बना दिया है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जिले में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिस्थापना DRDE के अधिकारियों के साथ बैठक की? ये एक्चुअल में DRDO जो हमारा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
उसकी एक सब ब्रांच आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो ई है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, और ई का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और ये एक डीआरडीओ की तरह ही, मतलब जो आपका डिफेंस रिसर्च होता है उस ये सब इसमें किया जाता है, मतलब डिफेंस से संबंधित जितना भी आपका मतलब अनुसंधान है वो सब यहीं पर किया जाता है डीआरडीओ की तरह। तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा, ग्वालियर में। तो यहाँ पे अभी हाल ही में, मतलब एक ही 2 दिन पुरानी ये न्यूज है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, और इन्होंने यहाँ पे जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है। आपको पता होगा अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो है वो आपके तेजस एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए। और ये इन्होंने उड़ान कहाँ से भरी है, ये उड़ान भरी है इन्होंने बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे से, इन्होंने तेजस में उड़ान भरी है। कमेंट करके बताएं कि ये जो उड़ान है उसमें फ्लाइट कमांडर इनके साथ कौन थे, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भी हाल में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रमाण पत्र है प्रदान किया गया है खजुराहो रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो प्रमाण पत्र है ये कौन प्रदान करता है, ये प्रदान करता है इंटरनेशनल एक्यूरेट सर्टिफिकेशन संस्था, इसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। और झांसी मंडल जो है उसके अंतर्गत आपका खजुराहो स्टेशन आता है। प्रमाण पत्र कौन सा है आपका, ISO 14001-2015। ये प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है, एक्चुअल में क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसको हम NGT बोलते हैं, इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन अगर किया जाता है तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और जो पर्यावरण है इन पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तो ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है। क्योंकि आपको पता है खजुराहो में टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उस हिसाब से उसको मेंटेन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है उसके अनुसार खजुराहो रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र 20 सितंबर को दिया गया है, ठीक है, ये 20 सितंबर की आपकी न्यूज है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन खजुराहो में सर्वे के अनुसार विश्व में पर्यावरण से संबंधित यात्रियों को बिजली, पानी, साफ सफाई, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण अनुकूल जो है यहाँ का विश्व स्तरीय पाया गया है। तो ये पूरा आपका खजुराहो से संबंधित होगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, आपको पता होगा मोगली उत्सव के बारे में, लास्ट ईयर भी ये सेलिब्रेट करा गया था, तो कान्हा में किया गया था, पन्ना में किया गया था, तो इस बार कान्हा और पन्ना में इसको मोगली उत्सव को नहीं मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा ये मोगली महोत्सव, ये मनाया जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस केवल ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा, बस दैट्स इट। अगला है हमारा इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में शहर के 3 आर्टिस्ट, तो ये भोपाल शहर के 3 आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में। एक क्वेश्चन ये जो आपका करंट अफेयर है काफी महत्वपूर्ण है और इसको आप याद जरूर कर लें। देखिए नेपाल कला शोध संस्थान और नेपाल आर्ट काउंसलिंग द्वारा ये 23 सितंबर से नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वहां पे इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल होगा। इसमें भोपाल के 3 युवा पेंटिंग आर्टिस्ट पेंटिंग ये लोग करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये राहुल रायकवाड़, शुभांगी गायकवाड़ और अंकिता जैन, इन 3 लोगों का यहाँ पर चयन किया गया है। और ये कब तक चलेगा, 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें राहुल रायकवाड़ अपनी पेंटिंग के माध्यम से भारतीय वैदिक परंपरा, अंकिता जैन भारतीय ज्ञान परंपरा और शुभांगी आध्यात्मिक परंपरा एवं सिंहस्थ को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करेंगी। तो ये 3 लोगों के आपको नाम याद रखने, और तीनों लोगों के आपका शहर कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं हमारे भोपाल के रहने वाले, तो ये चीजें याद रखनी। अगला हमारा भोपाल के 4 फुटबॉल खिलाड़ी मध्य प्रदेश की टीम में, तो ये मोहम्मद फैज, रूपेश कौशल, मेलविन शाजी और अचल पटेल। एक्चुअल में संतोष ट्रॉफी जो है टूर्नामेंट, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट है, उसके लिए मध्य प्रदेश की जो टीम में इनको शामिल किया गया है। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पर होनी है, ये गोवा में हुई होगी 23 सेप्टेम्बर से, तो उसमें इन 4 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। तो ये तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है आपकी फुटबॉल से संबंधित, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। बाकी ये 4 नेम जो है आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये उस टीम में है। ये भोपाल के स्ट्राइकर
मेलविन शाहजी, डिफेंडर अचल पटेल, मिडफील्डर रूपेश कौशल और गोलकीपर फाइज, ठीक है, इनको मध्य प्रदेश की टीम में जगह जो है वो दी गई है। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।